हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज हमने ऑर्डर थर्ड को पढ़ना है। ऑर्डर थर्ड के देखो इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे बच्चों। आज जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अबाउट प्लीडर्स के बारे में। प्लीडर कौन होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर्स क्या होते हैं ये हमें पढ़ना है। इससे पहले हमारा तो सेक्शन टू था जहाँ पर वेरियस डेफिनेशंस दी गई हैं, उसके हमारे सेक्शन टू के क्लोज 15 में प्लीडर को बताया गया है कि प्लीडर कौन होता है ना। तो उसके साथ हमें लिख के आना है, अगर हमारे पास आ जाता है लिखने के लिए अपॉइंटमेंट कैसे होता है प्लीडर का क्वेश्चन, ऐसे लिखा लिखने के लिए आता है तो पहले हम डिफाइन करेंगे प्लीडर। तो डिफाइन कैसे करेंगे, जो कि हमारे सेक्शन टू की क्लोज 15 में प्लीडर को बताया गया है। तो उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। इंडियन एविडेंस एक्ट की अभी क्लासेस चल रही हैं, साथ ही साथ रोज़ ही मॉक टेस्ट होते हैं। दोपहर में 12 बजे मेरी क्लास होती है। अनअकैडमी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, आपकी प्रिपरेशन करा रहा है जुडिशरी के लिए। तो इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को आप लोग अपने हाथ से मत जाने दीजिए। जितनी जल्दी हो सके आप मुझे फॉलो कर लीजिए और वहाँ पर आप अनलॉक करने के लिए, क्योंकि स्पेशल क्लासेस हैं तो अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड ARCHNA लगा दीजिएगा। कोड लगाना मत भूलना। इस कोड को लगाने के बाद आप आराम से एक्सेस ले सकते हैं स्पेशल क्लास की। 12 से 1 रोज़ क्लास होती है। आप लोग इंडियन एविडेंस एक्ट की, मेरा अभी लेक्चर चल रहा है तो वहाँ पर जैसे यहाँ CPC पढ़ रहे हैं ऐसे हम इंडियन एविडेंस एक्ट वहाँ पर अनअकैडमी पर पढ़ रहे हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारी क्लासेज ये, जैसे कि बता दिया मैंने आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए। इसके अलावा बहुत सारे बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। एक बैच स्टार्ट होगा 9 जून से, जो कि कॉम्प्रहेंसिव बैच होंगे और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पढ़ाया जाएगा, बिकॉज इंडिया के टॉप एडुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं। प्लस के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक्सेस मिलता है और भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप अगर यहाँ पर जाना चाहते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए, तो आप मुझे नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर एक्सेस कर सकते हैं, मुझसे कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। चैट लिंक भी है और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, जहाँ पर आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे। तो अगर आप लोगों को प्लस सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर स्पेशल क्लास से भी रिलेटेड कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे जहाँ पर चैट बॉक्स है वहाँ पर आप जाकर के पूछ सकते हैं। चैट ग्रुप का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के से आपके साथ शेयर कर दिया है। ये प्लस सब्सक्रिप्शन है, अगर 12 मंथ्स के लिए आप जाते हो तो 2635 रुपीज़ पर मंथ पड़ता है। EMI का ऑप्शन है, इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हो। मेरा कोड ARCHNA लगाने के बाद आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। और अगर आप 6 मंथ के लिए भी जाते हो तो भी ठीक है, वो भी 3833 है। लेकिन अगर अभी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट किया, आप LLB में हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक साल के लिए जाइए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। 18 महीने के लिए भी जा सकते हैं, 24 मंथ्स के लिए भी, अप टू यू, जैसा आपको कन्वीनियंट हो अपने अकॉर्डिंग देख करके। बट आप देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा, आप स्पेशल क्लासेस जब लेंगे तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा। हाँ, प्लस सब्सक्रिप्शन में हमें कितना ज़्यादा जो है प्रॉफिट, हम कहेंगे अगर हम बात करें, मतलब कितना अच्छा हमें जो लेवल होगा पढ़ाई का वो मिलने वाला है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा बहुत अच्छे अच्छे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं और होने वाले हैं जून में। तो विदाउट डिले आप इस चीज़ को अवेल कर लीजिए, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन करने में हेल्प मिल पाए और इजीली आप अपने घर पे बैठ के नोट्स की हेल्प के साथ में और लाइव इंटरेक्शन के साथ में आप पढ़ पाएँ। स्पेशल क्लासेस के लिए जाते हैं तो उसमें भी कोड लगा देना ARCHNA, स्पेशल क्लास की एक्सेस मिल जाएगी। और अगर प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो तो मेरा कोड ARCHNA लगाने के बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है, वहाँ पर जाकर के आप मुझे एक्सेस कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। तो विद दिस नोट आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑर्डर 3 रूल 1, 2, 4, बिकॉज मैंने इसको बाइफरकेट किया है, जहाँ 1, 2, 4 को आज हम पढ़ेंगे। रूल 1 हमारा अपेयरेंस ऑफ पार्टी के बारे में बात करता है, रूल 2 हमारा रिकॉग्नाइज्ड एजेंट के बारे में बात करता है, और रूल 4 हमारे प्लीडर के बारे में बात करता है। अब सर्विस ऑफ प्रोसेस क्या है, वो हमारे रूल 3, 5, 6 है, जिसको कि हम कल वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज हम अपेयरेंस ऑफ पार्टीज, रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर के बारे में, यानी 1, 2, 4 इन रूल्स को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम पढ़ते हैं, पहले हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे फिर हम बेयर एक्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले आता है रूल 1। रूल 1 क्या कहता है, अपेयरेंस ऑफ पार्टीज। तो अपेयरेंस ऑफ पार्टीज का मतलब है, जब भी सूट इंस्टीट्यूट होगा तो सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में जो पार्टीज टू सूट होंगी उन्हें कोर्ट में आना होगा, है ना। पार्टीज टू सूट को कोर्ट में आना होगा, इन पर्सन का मतलब खुद आना पड़ेगा, या फिर अपने एजेंट को भेज सकते हैं, या फिर एक प्लीडर के थ्रू अपेयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक्ट कर सकते हैं। और प्लीडर कहाँ डिफाइन है, हमारे सेक्शन 2 के
हमारी जो क्लोज है 15 वहाँ पर डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जो है लीडर को भेज सकता है अपने बिहाफ पे काम करने के लिए, खुद आ सकता है या फिर एजेंट को भी भेज सकता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, एक केस लो है बड़ा इंपॉर्टेंट, जगराज सिंह वर्सेज बीरपाल कौर 2007 का केस। यहाँ पर इस केस में ये हेल्ड हुआ कि अगर कोर्ट जो होते हैं किसी व्यक्ति को कह दे कि वो खुद आए कोर्ट में, तो उस व्यक्ति को खुद आना पड़ेगा। और अगर व्यक्ति जो होता है, जो डायरेक्शन कोर्ट ने दी है कि आप खुद आइए कोर्ट में, लेकिन वो नहीं आता है, तो उसे उस केस में जो ऑर्डर 9 रूल 12 में लिखा गया है कि जहां पर कोर्ट डायरेक्शन देती है और वहां पर व्यक्ति को आना होता है लेकिन व्यक्ति नहीं आता, तो फिर उसे जो उसके बाद के जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रेपरकेशंस होते हैं, उसको खुद भुगतने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात इस केस में हेल्ड हुई थी, जगराज सिंह वर्सेज बीरपाल कौर 2007 के केस में। इसके अलावा कहा कि अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी, व्यक्ति नहीं आता, तो नहीं आने का अगर उसके पास सफिशिएंट रीज़न है तो वो रीज़न कोर्ट को बताए। ठीक है, अगर रीज़न वो बताता है तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं होती, कोई रीज़न नहीं है उसके पास, तो कोर्ट कहेंगे द कोर्ट विल नॉट डायरेक्ट द पार्टी टू अपेयर इन पर्सन। अगर कोई रीज़न नहीं है प्रॉपर कि आप क्यों नहीं आ पा रहे हो, तो कोर्ट क्या कहेंगी, कोर्ट जो है फिर आपको बोलेंगे आप आइए, और अगर रीज़न है तो फिर कोर्ट कहेंगी ठीक है आप मत आइए। फिर नेक्स्ट हमारा आता है कि ऑब्जेक्ट क्या है इस रूल वन का। तो इस रूल वन का ऑब्जेक्ट क्या है, ताकि कोर्ट के सामने जो हमारे पास सूट आया, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। ऑब्वियस ही बात है, अगर जो पार्टीज सूट हैं वो अगर कोर्ट के सामने आएंगी तभी तो जाकर के ट्रायल हो पाएगा। अगर नहीं आती हैं तो भाई ठीक है, आप किसी को भेज रहे हैं एजेंट के तौर पर या लीडर के तौर पर, आप आ जाइए उनके थ्रू आ जाइए आप। तो उसी चीज़ के लिए कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा व्यक्ति खुद नहीं आ पाता है, तो आप एजेंट को हमने फैसिलिटेट कर दिया वो आ जाए, लीडर को कह दिया वो आ जाए, ताकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनमें टाइम ना जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आज अगर व्यक्ति नहीं आ पा रहा हो किसी वजह से, तो एक लीडर आ गया तो हम उसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, फिर उस वजह से वो दिन वो तारीख तो खराब हो जाएगी ना। तो इसलिए कह रहे प्रोसीडिंग्स को फैसिलिटेट करने के लिए रूल वन लेके आए हैं, एक पार्टी को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के, खुद नहीं आ पा रहा तो किसी और के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही है टू एनेबल हिम टू परफॉर्म सर्टेन एक्ट्स थ्रू रिकॉग्नाइज एजेंट और प्लीडर ऑन बिहाफ ऑन हिम। ठीक है, अब आता है रूल टू, कहता है रिकॉग्नाइज एजेंट कौन है। तो एक पहले देखिए एजेंट कौन है, हमें अच्छे से पता है एजेंट कौन है, एक व्यक्ति जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है, जिसके पास एक्सप्रेस्ड अथॉरिटी होती है या फिर इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करेगा। नाउ हु इज़ द प्रिंसिपल, जो अपॉइंट करता है एजेंट। जैसे कि अगर ए व्यक्ति है ए, अब उसका बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो भाई हर जगह पर प्रेजेंट नहीं हो सकता, तो वो क्या करता है किसी और को कहता है कि आप मेरे बिहाफ पे काम कर लीजिए। तो वहाँ पर जब उसने अथॉरिटी दे दी अपने बिहाफ पे किसी को काम करने के लिए, तो दैट पर्सन इज़ द एजेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ अपॉइंटेड और हु हैज़ गिवन हिम अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ हिम। तो एजेंट हमें समझ में आ गया ना, व्हाट डज इट मीन रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। तो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट का मतलब होता है एक ऐसा एजेंट जिसको कि अलाउ किया जाता है कोर्ट के सामने कि वो बोल सकता है कंडक्ट प्रोसीडिंग। कंडक्ट प्रोसीडिंग हमें पता है, हमने अभी कल बार बार पढ़ा था कि कंडक्ट प्रोसीडिंग क्या होती है। कंडक्ट प्रोसीडिंग का मतलब जो संचालन है प्रोसीडिंग का, तो करने के लिए वो कोर्ट के सामने आ सकता है। ठीक है, अब फिर आता है रिकॉग्नाइज अंडर सीपीसी। ये हमें देखिए रिकॉग्नाइज अंडर सीपीसी में, मतलब सीपीसी के अंदर किन किन एजेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। पहले पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी, जो कि रूल टू में है ऑर्डर थ्री के। पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस फॉर पार्टीज़, ये मैंने आपको बताई दिया, पर्सन जो कैरी करते हैं पार्टीज़ के बिहाफ ऑफ बिजनेस, वो भी इसी के अंदर आते हैं, उनको भी रिकॉग्नाइज माना जाता है। फिर सेक्शन 85 में पर्सन स्पेशली अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ऑन बिहाफ ऑफ द फॉरन रूलर्स, तो फॉरन रूलर्स के बिहाफ पे जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रोसिक्यूट या डिफेंड करने के लिए। पर्सन ऑथोराइज टू एक्ट फॉर गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पे भी एजेंट बन सकते हैं, तो ऑर्डर 27 रूल टू। तो ये सारे जो रिकॉग्नाइज एजेंट है सीपीसी के अंदर। फिर रूल टू जो है वो क्या कहता है, रूल टू बात करता है प्लीडर, क्योंकि मैंने आपको बताया हम आज क्लास में तीन रूल के बारे में बात करना है। वन, और इसके अलावा हमने दूसरा कौन सा बताया था आपको, कि हम वन पढ़ेंगे, टू पढ़ेंगे और हम फोर पढ़ेंगे, है ना। तो फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ कह रहा है प्लीडर। तो प्लीडर कौन होता है, मैंने आपको बता ही दिया कि प्लीडर कौन होता है, एक पर्सन जो कि एंटाइटल्ड है, उसको कोर्ट में आना है, अपेयर होना है, प्लीड करना है। प्लीड का मतलब दूसरे की बिहाफ पे बात कहनी है। तो वो जो इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा, जो दूसरे के बिहाफ पे बात कहते हैं, एक एडवोकेट, वकील और अटोर्नी ऑफ हाई कोर्ट। कहाँ डिफाइन है, हमारे सेक्शन 2 के क्लॉज 15 में। अब आता है प्लीडर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो जो प्लीडर का अपॉइंटमेंट होता है वो रिटन में होता है, जिसको कहते हैं किसके थ्रू, वकालतनामा के थ्रू या फिर वकालत पत्र के थ्रू होता है, जिसको कि पार्टी
साइन करती है और बाय हिज रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय सम अदर पर्सन डली अथोराइज बाय हिम। समझिएगा बात को, जैसे अगर मैं ही हूँ, से फॉर इंस्टेंस मैं हूँ, मैं अपने बिहाफ पे किसी को प्लीडर अपॉइंट करना चाहती हूँ, तो कौन से प्लीडर को अपॉइंट करूँगी? जो कि मैंशन किए गए हैं सेक्शन 2 की क्लोज 15 में, यानी कि एक ऐसे व्यक्ति को जो एडवोकेट हो, जो वकील हो, या फिर जो अटर्नी ऑफ हाई कोर्ट को, तो मैं उसको अपॉइंट कर सकती हूँ, डिपेंड्स अपॉन द केस। ठीक है, अब मैं उसे कैसे अपॉइंट करूँगी? एक वकालतनामा के थ्रू, एक वकालत पत्र के थ्रू, जिसको कि या तो मैं खुद साइन करूँगी या मेरे बिहाफ पे मेरा एजेंट साइन कर देगा, या फिर किसी और व्यक्ति को भी मैं अथॉरिटी दे सकती हूँ कि आप जाके साइन कराओ मेरे बिहाफ पे कि मैं जो प्लीडर है इसको अपॉइंट करना चाहती हूँ। तो दैट इज़ वॉट इन दिस थिंग कि हाँ, एक व्यक्ति किसी और को भी कह सकता है। सच अपॉइंटमेंट शैल बी फाइल्ड इन कोर्ट एंड डीम टू बी इन फोर्स अंटिल द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल प्रोसीडिंग्स इन द सूट। तो इस तरीके की बात, जब हमने एक वकालतनामे के थ्रू, वकालत पत्र के थ्रू किसी को प्लीडर अपॉइंट किया है, तो जो अपॉइंटमेंट होगा वो कहाँ पर फाइल किया जाएगा? कोर्ट में। कोर्ट में फाइल होगा, फिर उसके बाद में जब तक प्रोसीडिंग नहीं कम्प्लीट हो जाती सूट की, तब तक वो जो है क्या रहेगा? इनफोर्स रहेगा। इनफोर्स का मतलब तब तक वो एक्टिवेट रहेगा कि हमने उसको प्लीडर अपॉइंट किया है, पहली बात। दूसरी बात, जब तक कह रहे हैं, जब तक डिटरमाइन नहीं हो जाता बाय द क्लाइंट और बाय द प्लीडर, अंटिल द क्लाइंट और प्लीडर डाइज, जब तक क्लाइंट या प्लीडर में से किसी की मृत्यु नहीं हो जाती, तब अंटिल द ड्यूरेशन फॉर विच ही इज इंगेज इज ओवर। मतलब एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए अगर उसने अपॉइंट किया था प्लीडर को, तो वो ड्यूरेशन खत्म नहीं हो जाती, डेथ नहीं हो जाती, काम पूरा नहीं हो जाता, या फिर ये डिसाइड नहीं करता क्लाइंट की भाई अब मुझे और नहीं रखना आपको, तो ये सारी कंडीशंस नहीं होंगी, तो तब तक वो जो वकालतनामा उसने दाखिल करा है कोर्ट में, तो वो तब तक फोर्स में रहेगा, तब तक वो एक्टिवेट रहेगा। फिर आ जाता है स्टेटस ऑफ प्लीडर क्या है, तो रूल 4 ही हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में। तो जो प्लीडर का स्टेटस होता है, समझिएगा, इट्स ए सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन, है ना, ये कैसी है? सर्विस ओरिएंटेड प्रोफेशन है। जो रिलेशनशिप होता है लॉयर और क्लाइंट का, ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के बेस पे होता है, मतलब विश्वास होता है, तभी तो एक वकील को सारी बातें बता देते हैं, कहते हैं डॉक्टर और वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। क्यों नहीं छुपाना चाहिए? बिकॉज आपके फेवर में को वो तभी जो है लेकर के आएगा आर्गूमेंट, अगर आप उसे सारी बातें बता दोगे। तो इसीलिए कह रहे ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस से रिलेटेड होता है, और ये ज़रूरी है। ही इज़ एसेंशली एन एडवाइज़र टू हिज क्लाइंट, ज़रूरी है कि वो अपने जो है क्लाइंट का एडवाइज़र होता है, और इसीलिए उसको काउंसिल भी कहा जाता है कहीं कहीं जुरिसडिक्शन में। काउंसिल माने क्या होता है? सलाह देना, एडवाइस देना, तो वो एक एडवाइज़र के तौर पर भी काम करता है अपने क्लाइंट के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अथॉरिटी क्या है प्लीडर की? तो प्लीडर जो होता है वो सेम फुटिंग पे, सेम फुटिंग का मतलब बिल्कुल उसी जगह पर जाके खड़ा हो जाता है जिस जगह पर कि एक व्यक्ति जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिसीजन लेना है। सिर्फ फॉर इंस्टेंस मेरा केस इंस्टीट्यूट कर रहा हूँ, तो मैं जो जो बातें अपने फेवर के लिए बोल सकता हूँ या बोलना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो सारी चीज़ें प्लीडर के पास आ जाती है जब एक प्लीडर को अपॉइंट किया जाता है। तो प्लीडर स्टैंड्स ऑन द सेम फुटिंग इन रिगार्ड टू हिज अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट। समझ में आ गया नंबर पॉइंट, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट है कि एक इनहेरेंट और इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है काउंसिल के अंदर कि वो सारे काम करे जो कि उसके क्लाइंट के लिए यूजफुल हो, उसके क्लाइंट के लिए ज़रूरी है, ताकि सूट जो है उसके फेवर में आ जाए, और ताकि जो डिस्प्यूट है वो सेटलमेंट किसके फेवर में हो? क्लाइंट के फेवर में हो। और ये जो पावर है, हमें ये देखना है कि जो पावर उसको दी गई है, क्योंकि उसको बोला गया आप जो भी आप कर सकें, क्योंकि जब एक व्यक्ति वकील को अपॉइंट करता है, एक प्लीडर को अपॉइंट करता है अपने लिए, तो वो इसका जो इतने पैसे भी देता है उसकी, मतलब कुछ ना कुछ, हम यहाँ सिविल सूट की बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्टेक पे लगा होता है ना, तो वो स्टेक पे उसको अपने फेवर में चाहिए, तो वो विश्वास करके अगर किसी के ऊपर अपनी अथॉरिटी किसी को दे रहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को बोनाफाइडली जो है काम करना है, ऐसा नहीं कि वो मिल जाएगा अपोजिट पार्टी से, तो बोनाफाइडली और बेनिफिट फॉर द क्लाइंट उसे काम करना चाहिए। इसके अलावा पावर जो है वो प्रूडेंस के साथ में, प्रूडेंस का मतलब बिल्कुल अच्छी तरीके से रीजनेबल, उसको जो है अपनी दिमाग लगाते हुए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, तब जाके उसको पावर जो है करनी चाहिए यूटिलाइज। और जहां पर भी जरूरी होता है कि उसे कंसल्ट करना है किसको, अपने क्लाइंट को, तो वो कंसल्ट करना चाहिए उसको, इफ देयर इज टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। तो अगर उसे लगता है कि भाई किन्हीं बात पे मुझे पहले क्लाइंट से पूछ लेना चाहिए डिसीजन लेने से लिए इससे पहले, तो उसको बिल्कुल अगर कोई डिसीजन लेना है तो जहां रिक्वायर्ड है पहले अपने क्लाइंट से पूछे, अगर उसके पास टाइम है, अपॉर्चुनिटी है। टाइम का मतलब हाँ, अभी इतना टाइम है कि आप हमसे, आपसे पूछ सकते हैं आप क्या करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी मौका भी है, ठीक है।
लीडर शुड नॉट एक्ट ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी एक्सेप्ट इन द सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी। एक्सप्रेस का मतलब तो समझ में आ गया कि जो हमारा क्लाइंट है उसने बताया कि आप ये काम करो। हमें पता है लीडर के पास जो है इम्प्लाइड अथॉरिटी भी है कि जो उसके फेवर में होगा, क्लाइंट के फेवर में वो करेगा। लेकिन कह रहे हैं कि लीडर को इम्प्लाइड अथॉरिटी पे तब तक काम नहीं करना चाहिए जब तक इमरजेंसी की सिचुएशन ना आ जाए, नेसेसिटी की ना आ जाए कि अब भाई हमारे पास टाइम भी नहीं है, अब अवसर भी नहीं है, मौका भी नहीं है कि जाके क्लाइंट से पूछाएं, तो उस केस में वो इम्प्लाइड अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है। और ये बात ध्यान रखनी है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी जब करे तो सिग्नेचर जो होते हैं पार्टी के वो बिना देरी के जो है ऑब्टेन कर लिए जाएं। और फिर कह रहे हैं कि जब जूनियर और सीनियर की बात करते हैं, जूनियर प्लीडर सीनियर प्लीडर, इन केस वे जूनियर एंड सीनियर अपेयर इन द केस, इट वुड बी रिस्की ऑन द पार्ट ऑफ जूनियर टू रिपोर्ट ए कॉम्प्रोमाइज विदाउट कंसल्टिंग ए सीनियर। तो जूनियर और सीनियर दोनों इन्वॉल्व हैं अगर एक केस में, सीनियर लोग ऐसे ही करते हैं अपने जूनियर को भी साथ में मिला लेते हैं, तो अगर एक जूनियर कॉम्प्रोमाइज कर आता है क्लाइंट के बिहाफ पर और सीनियर से कंसल्टेशन नहीं लेता या सीनियर से नहीं बात करता, सलाह नहीं लेता, तो कह रहे हैं कि वो बड़ा गलत हो सकता है कहीं कहीं पर। तो इस चीज को भी देखना है। एक केस लो, वाई स्ली बच्चन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2005 का केस। इसमें कहा गया कि गवर्नमेंट प्लीडर भी है, वो भी गवर्नमेंट प्लीडर भी गवर्नमेंट के बिहाफ पे कॉम्प्रोमाइज में जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है, या कहा जाए कि कॉम्प्रोमाइज डिक्री में इन्वॉल्व हो सकता है एक गवर्नमेंट प्लीडर गवर्नमेंट के बिहाफ पर भी। तो इस केस में ये भी कहा गया। फिर आता है ड्यूटीज ऑफ प्लीडर। तो प्लीडर की ड्यूटी क्या है, हमें अच्छे से पता है कि जो लॉयर होते हैं दीज आर द कस्टोडियंस ऑफ सिविलाइजेशन। उनकी जो ड्यूटी है वो डिग्निटी है, डेकोरम है, डिसिप्लिन है। यानी वो जो भी काम करेंगे वो एक समाज के उत्थान के लिए ही करेंगे, क्लाइंट के बेनिफिट के लिए ही करेंगे। वो क्लाइंट के एजेंट हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो कोर्ट में ऑफिसर्स भी हैं। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है ना, सर्विस प्रोफेशन है ना, इसलिए उन्हें जो काम करना चाहिए वो इस तरीके से करना चाहिए ताकि जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन हो। एक काउंसिल जो है, जो भी काउंसिल होते हैं उनके तीन रिलेशनशिप होते हैं। पहला रिलेशनशिप पब्लिक के साथ में, दूसरा रिलेशनशिप कोर्ट के साथ में, और तीसरा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ में। इसलिए बोला कि उन्हें तीन तरह की ड्यूटीज़ उन्हें निभानी पड़ती है। इसलिए काउंसिल जो है उसको कभी भी अधिकार नहीं है कि वो ज़बरदस्ती जो है स्ट्राइक पे चला जाए, कोर्ट से एब्सेंट हो जाए। अब आप बोलोगे ऐसा तो नहीं होता, स्ट्राइक का अधिकार तो होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अगर हम बात करें उसकी, अभी ट्रायल चल रहा है, या अगर मैं बात करूं कि प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में और उसकी डेट है, हियरिंग है, और वो इस चीज़ का बहाना बना दे कि स्ट्राइक थी इसलिए नहीं गया, तो वो चीज़ उचित नहीं है। अगर हम इस हमारे ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी देखें और नैतिक मूल्यों के अकॉर्डिंग भी देखें, तो ये जो व्यक्ति होता है, मतलब जो काउंसिल है, वो बाउंड है कि वो कोर्ट में अटेंड हो जाए, या फिर अगर खुद नहीं हो पाता तो अपने बिहाफ पे किसी और को अरेंजमेंट करे, जिस दिन हियरिंग हो उस दिन उसको जो है जाना ही चाहिए हियरिंग पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्लीडर की, क्लाइंट को आर्गुमेंट देने होते हैं, आर्गुमेंट बहस करनी होती है। कैसे बहस करनी है, अपने प्रोफेशन को, डेकोरम को मेंटेन करते हुए। ऐसा नहीं कि कुछ भी अनुचित बातें वो बोलेगा, अपने प्रोफेशन की डेकोरम को मेंटेन करते हुए उसे जो है क्या करना है, आर्गुमेंट देने हैं। लीगल प्रोफेशन एक सॉलम है और सीरियस ऑक्यूपेशन है, ये एक नोबल कॉलिंग है, एंड ऑल दोज हु बिलोंग टू इट आर ऑनरेबल मेंबर्स। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीडर की बहुत ज़्यादा बन जाती है। अब वही बात आती है स्ट्राइक बाय प्लीडर, जो मैंने आपको कहा, तो एक लॉयर या प्लीडर वो स्ट्राइक पर नहीं जा सकता, ना ही कोर्ट को बायकट कर सकता है। प्लीडर इस बात पे कि भाई हमारी जो है बार काउंसिल ने बुलाया है स्ट्राइक, इस बात पे वो जो है वहाँ से, जब कोर्ट में हियरिंग थी, डेट थी, उससे हट नहीं सकता, उसको अटेंड करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आगे एक दूसरी बात कही गई है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस है जहाँ पर डिग्निटी, इंटीग्रिटी, इंडिपेंडेंस की बात होती है बार की या बेंच की, तो उस वक्त कह रहे हैं कि एब्सटेंशन ऑफ द कोर्ट वर्क में बी टेकन सीरियसली, बट इट इज़ फॉर द कोर्ट टू डिसाइड वेदर द इशू कॉल्स फॉर सच एक्शन। तो फिर यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेंगी कि भाई उन्हें आना चाहिए कोर्ट में कि नहीं आना चाहिए। नॉर्मली इन सच केसेस द प्रेजिडेंट ऑफ द बार काउंसिल शुड फर्स्ट कंसल्ट द चीफ जस्टिस और द डिस्ट्रिक्ट जज हुज डिसीजन वुड बी फाइनल, कि भाई हम क्या करें कि ठीक है आप एबसेंट हो सकते हैं वकील अपनी बात से। फिर आता है अपेयरेंस बाय प्रॉक्सी। तो क्या ऐसा हो सकता है, यहाँ पर कह रहे हैं यस,
काउंसिल जो है पार्टी के लिए उनको अलाउ किया गया है, काउंसिल फॉर पार्टीज आर अलाउड टू बी रिप्रेजेंटेटेड बाय अदर काउंसिल, कि अगर आप नहीं जा रहे तो आप अपने बिहाफ पे किसी और को अरेंजमेंट करके भेज सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन मेड बाय देम आर यूजली टेकन एज रिप्रेजेंटेशन बाय काउंसिल ऑन रिकॉर्ड अनलेस इट इज शोन टू बी अदर। फिर आता है एडवोकेट लीन। तो एडवोकेट लीन का मतलब ये होता है कि जब भी एक व्यक्ति होता है, मतलब क्लाइंट है, उसको लग रहा है कि ये जो हमारा जो काउंसिल है, जो प्लीडर है, वो मेरे बिहाफ पे काम ढंग से नहीं कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि इस वकील को रखने से मेरे को न्याय मिलेगा, ये तो बहुत जो है देरी लगा रहा है, इतना टाइम हो गया, तो वो जब भी चाहे वो एडवोकेट चेंज कर सकता है। लेकिन उसको ये उसकी ड्यूटी है कि भाई उसको जो है जो प्रोफेशनल फ़ीस है उस व्यक्ति की, उस एडवोकेट की, वो फ़ीस पे कर दे। लेकिन अगर एक बात होती है कि वो फ़ीस पे नहीं करता, तो एडवोकेट का कोई अधिकार नहीं कि वो अपने क्लाइंट के पेपर को रख ले, मतलब उसके पास कोई लीन का अधिकार नहीं हो जाता कि जब तक आप हमारी फ़ीस नहीं दोगे मैं आपको पेपर रिटर्न नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, केस फाइल्स कैन नॉट बी इक्वेटेड विद गुड्स बेल्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, केस फाइल को हम गुड बेल की तरह पर नहीं रख सकते हैं। फिर आता है सीनियर एडवोकेट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट में डेजिग्नेट एन एडवोकेट एज सीनियर एडवोकेट If in their opinion by virtue of his ability, standing at the bar, special knowledge or experience in law, he deserves such distinction. अगर कोई व्यक्ति को है इस तरीके की, मतलब उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि उसको सीनियर एडवोकेट बनना चाहिए, तो ये लोग, मतलब ये ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये डेजिग्नेट कर सकते हैं एक व्यक्ति को सीनियर एडवोकेट के तौर पे। तो ये तो हमारा हो गया जो भी हमने इसको, इस कंसेप्ट को क्लियर करना था। अब हम फटाफट बेयर एक्ट की लैंग्वेज भी क्लियर कर लेते हैं। देखो, तो पहला हमारा रूल क्या कहता है ऑर्डर 3 का, अपेयरेंस, जो हमने पढ़ा, अपेयरेंस एटसेट्रा मे बी इन पर्सन बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। ये तीनों मैंने आपको बता दिया कि जो अपेयरेंस होगी, एप्लीकेशन आएगी, कोई भी एक्ट आएगा कोर्ट में जो कि एक व्यक्ति को लेके आना है कोर्ट में अपने लिए, अपने आप को न्याय दिलवाने के लिए, तो कह रहे हैं मे एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स बी मेड और डन बाय अ पार्टी इन पर्सन और बाय हिज रिकॉग्नाइज एजेंट और बाय प्लीडर। अगर कोई और तरीका है, मतलब कोई किसी पर्टिकुलर लॉ में दिखाई दिया कि हाँ इसको इन तीनों चारों के अलावा, मतलब कैसे व्यक्ति खुद आए, अपने एजेंट के थ्रू आए या प्लीडर के थ्रू आए, इनके अलावा भी कोई और तरीके से वो आ सकता है, अगर कुछ ऐसा भी तरीका है, अगर वो रिकॉग्नाइज है, दैट इज अनदर थिंग, अदरवाइज व्यक्ति जो है रूल 1 कहता है इनके थ्रू आ सकता है अपीयर करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, एक्ट करने के लिए, जैसा भी केस हो अपने बिहाफ पे किसी और व्यक्ति को भेज सकता है। प्रोवाइजो कह रहा है दैट एनी सच अपीयरेंस शैल इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स बी मेड बाय द पार्टी इन पर्सन। ठीक है, तो ये जो अपेयरेंस होती है वो कोर्ट के, इफ द कोर्ट सो डायरेक्ट्स, अगर कोर्ट डायरेक्ट करती हैं तो उसको कह सकते हैं कि नहीं भाई हम प्लीडर से नहीं बात करेंगे, हम एजेंट से बात नहीं करेंगे, आप खुद ही आइए, जो यहाँ पर वो डायरेक्शन भी दे सकते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया, केस लॉ भी आपको बता दिया, उसको ढंग से कर लेना। ठीक है, फिर रूल 2 आता है, रूल 2 जहाँ पर रिकॉग्नाइज एजेंट की बात करी गई है, तो रिकॉग्नाइज एजेंट ऑफ पार्टीज जिनके थ्रू अपेयरेंस या एप्लीकेशन होगी वो कौन कौन है, सबसे पहले पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटर्नी अथोराइजिंग डैम टू मेक एंड डू सच अपेयरेंस एप्लीकेशन एंड एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ सच पार्टीज। मैंने सब आपको बता दिया, अटर्नी वाली बात भी बता दी, पर्सन कैरिंग ऑन ट्रेड और बिजनेस भी बता दिया। ठीक है, एंड इन द नेम्स ऑफ पार्टीज नॉट रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट विद इन विच लिमिट्स द अपीयरेंस एप्लीकेशन और एक्ट इज मेड और डन इन मैटर्स कनेक्टेड विद सच ट्रेड और बिजनेस ओनली। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक व्यक्ति ने, जैसे एक बिजनेस है उसके कपड़े का उसका बिजनेस है, भाई सूरत बहुत फेमस है ना कपड़े के बिजनेस में, तो सूरत में उसका बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। अब यहाँ पर किसी एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ABC कोई भी डिस्ट्रिक्ट में अगर व्यक्ति जो है बहुत दूर, मतलब बैठा है सूरत से, और वहाँ पे उसने अपने आप किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर रखा है कि मेरा एजेंट है, मेरे बिहाफ पे ये डीलिंग करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कोई मुद्दा उठ जाता है, कोई सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है, तो वो सूरत वाला व्यक्ति कहता है कि जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ मेरा एजेंट ही जाके अपेयर हो जाएगा। तो देखना, एजेंट बना हुआ है वो कपड़े के बिजनेस के लिए, और अगर उसका सूट किसी और चीज़ के लिए इंस्टीट्यूट होता है, या फिर मैं अगर कहूँ कि भाई उसका कोई और भी बिजनेस है, से फॉर इंस्टेंस उसका कोई, मतलब हीरो का भी बिजनेस है, डायमंड्स का भी बिजनेस है,
तो जिस व्यक्ति को कपड़े के लिए एजेंट बनाया गया है, तो वो सूट जब कपड़े से रिलेटेड इंस्टीट्यूट होगा तो व्यक्ति वहीं जाएगा, हीरे से उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ कह रहे जिस ट्रेड और बिजनेस के लिए उसको अपॉइंट किया गया उसी के लिए वो एजेंट जाके जो है व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर सकता है, इसके अलावा कहीं नहीं। वेयर नो अदर एजेंट इज एक्सप्रेसली ऑथोराइज टू मेक एंड डू सच अपीयरेंस एप्लीकेशंस एंड एक्ट। फिर आता है रूल 3 जो कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर। तो प्लीडर आपको बता ही दिया क्या होता है, नो प्लीडर शैल एक्ट फॉर एनी पर्सन इन कोर्ट अनलेस ही हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द पर्पसेस बाय सच पर्सन बाय ए डॉक्यूमेंट। आपको बता दिया एक डॉक्यूमेंट, वकालतनामा, वकालत पत्र के द्वारा साइन किया गया है उस व्यक्ति के द्वारा, एजेंट के थ्रू, या फिर व्यक्ति खुद करेगा या फिर किसी और व्यक्ति को, और बाय अंडर ए पावर ऑफ अटर्नी टू मेक सच एप्लीकेशन। फिर इसका रूल 3 का सब रूल 2 क्या कहता है कि ऐसी हर एप्लीकेशन वो कोर्ट में फाइल होएगी, और इसको कह रहे हैं कि जब तक वो फोर्स में रहेगी, जब तक कि वो क्या कह रहे हैं, जब तक काम पूरा नहीं हो जाता या फिर जब तक क्लाइंट की डेथ नहीं हो जाती या सारी प्रोसीडिंग जो होती है वो एंड नहीं हो जाती। तो मैंने सब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी, बेयर एक्ट भी क्लियर कर दिया। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, और ये नोट्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर मिल ही जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।